हाय बच्चों, आप कैसे हो। कल आपने पढ़ा महावीर स्वामी के विषय में, जबकि जैन धर्म से संबंधित है। उसी प्रकार आज हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के विषय में हम लोग जानते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जैसे आपने पढ़ा जैन धर्म, वैसे आप क्या पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। आइए, बौद्ध धर्म, बौद्ध, आप सबसे पहले प्रश्न उठता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, या फिर डायरेक्ट संस्थापक कौन, गौतम बुद्ध। पहला प्रश्न होता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आइए आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आइए हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार महावीर स्वामी क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक थे, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के माता पिता, सबसे पहले लिखते हैं माता पिता, पत्नी पुत्री, पुत्र। माता कौन, माता का नाम महामाया। माता का नाम क्या था, महामाया। पिता का नाम सुद्रोधन। पत्नी यशोधरा। उनके महावीर स्वामी की पत्नी नाम यशोदा था, लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध की पत्नी नाम यशोधरा। पुत्र राहुल महावीर स्वामी को पुत्री थे, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एक पुत्री थी। आइए देखते हैं इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके जन्म के सातवें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है, इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनकी मौसी किसने किया, गौतमी प्रजापति। गौतमी ने किया। प्रजापति ने किया। आइए आगे देखते हैं कितना हो गया। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। इनकी माँ की मृत्यु इनके जन्म के सातवें दिन हो गए, जिससे इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आप एक बार थोड़ा देखिए, इससे कई प्रश्न आपका बन रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखिए, माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुद्रोधन, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और सातवें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई, इनका पालन पोषण इनकी मासी प्रजापति ने किया, गौतमी प्रजापति ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 वर्ष की आयु में, अब देखते हैं इसी में आगे बढ़ जाते हैं। 16 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह यशोधरा से हो गया, और उनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन में ही
बचपन में ही किसी ऋषि ने गौतम बुद्ध के विषय में संन्यास लेने के लिए कहा लेने के लिए कहा। अब आगे लिखिए, कितना ले लीजिए, यानी बचपन में ही बता दिया था किसी ऋषि ने कि ये जो गौतम बुद्ध हैं ये क्या करेंगे, ये संन्यास ले लेंगे। और इसी घर से क्या किए, आगे बता रही हूँ कि इनके पिता हैं, किसके पिता हैं, गौतम बुद्ध के पिता हैं, इन्हें 29 वर्षों तक घर से बाहर निकलने नहीं दिया। तो आगे देखते हैं, बचपन में ही बता दिया, इससे भयभीत इनके पिता ने गौतम बुद्ध को बाहर नहीं निकलने दिया। राजमहल से वो बाहर नहीं जा सकते थे। 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की, 29 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के बाद वे राज्य में टहलने निकले और उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। फिर उन्हें पता चला कि मनुष्य बूढ़ा भी होता है। फिर दूसरा उन्होंने देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, किसको, बीमार व्यक्ति। फिर उनको पता चला कि व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। फिर तीसरे स्थान पर देखा, एक शव को देखा, किसको देखा, एक शव देखा। फिर उनको पता चला कि मनुष्य का अंत भी होता है। और चौथा देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को, एक शव को देखा, और लास्ट में क्या देखा, एक सन्यासी को देखा, एक सन्यासी। और वहीं से क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव देखा और एक सन्यासी, और लास्ट में जो सन्यासी वाला देखा, वहीं से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। वहीं से इनको क्या हुआ, वैराग्य उत्पन्न हो गया। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। और 29 वर्ष की जो इनकी महाआयु है उसमें इन्होंने क्या क्या, गृह को त्याग दिया, इसलिए उसको महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गृह त्याग की आगे लिखे हैं, पहले देख लीजिए कि महात्मा बुद्ध ने उन चारों, किन चारों व्यक्तियों को देखा, तो बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, एक सौ देखा, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। वहीं से जो सन्यासी को देखा तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसके पहले वो राजमहल में रहते थे और उन्हें इस विषय में पता ही नहीं था कि लोग बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, अंत भी उनका होता है। और इन सब का कारण क्या है, मुंह से त्याग, यानी मोह का त्याग किया जाए, यानी संन्यास रूप धारण किया जाए, इसीलिए मानो क्या करता है, संन्यास रूप धारण कर लेता है। और यहीं से क्या हो गया, आगे चलते हैं, जब संन्यास ही व्यक्ति को देखा तो उनके मन में संन्यास की, वैराग्य की भावना आई। और 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग किया। और इस प्रक्रिया को कहा गया। गृह त्याग की प्रक्रिया को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। वो अपनी बीवी को सोते हुए बच्चे को छोड़कर रात में वैराग्य ना बताए वो घर से निकल जाते हैं और वैराग्य को धारण कर लेते हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अरे 35 वर्ष की आयु में गृह का त्याग किया और इस प्रक्रिया को महावी निष्क्रमण कहा गया। इतना मिलता है इनकी मृत्यु और इनका 6 वर्ष की कठिन तपस्या। 35 में क्या किया, इन्होंने एक तपस्या करना प्रारंभ किया, 6 वर्ष तक निरंतर कठिन तपस्या की और
35 वर्ष की आयु में, कितने 35, महावीर कितने 42 में ज्ञान प्राप्त किया था, ये 35 में, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग किया था, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया था, उनको एक पुत्री थी और इनको एक पुत्र था, तो और 35 वर्ष की आयु में इन्हें निरंजना नदी के तट पर, निरंजना ध्यान दीजिए वो ब्रजपालिका नदी थी, गौतम महावीर स्वामी ब्रजपालिका नदी के तट पर शार वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया था, और ये निरंजना नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, नीचे ज्ञान प्राप्त किया और पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया, देखिए पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सारनाथ वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया था सारनाथ में दिया, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध सारनाथ नहीं बोधगया में, तो आइए देखते हैं 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग किया और इस प्रक्रिया को महाविष्क्रमण कहा गया, 6 वर्ष तक निरंतर कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में इन्हें निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें ना जो प्राप्त किया नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ और पहला उपदेश सारनाथ में दिया, इनकी मृत्यु अबाई मृत्यु पर चलती है, इनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। तो आपने देखा कि इनका विवाह किसे हुआ था, यशोधरा से हुआ था, जिससे इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा, और इनका इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इनका पालन पोषण गौतमी नामक प्रजापति इनकी मौसी ने किया, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, और इन्होंने चार व्यक्तियों को देखा, एक बीमार व्यक्ति सबसे पहले, एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर शव, और फिर एक सन्यासी व्यक्ति को, जहाँ से इनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो आइए इंपॉर्टेंट बातों को आपने क्लियर के लिए द्वारा लिए हैं, पहला उपदेश कहा दिया था सारनाथ में, और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, और सर्वप्रथम सारनाथ में दिया था। आइए इन्होंने चार आर्य सत्य दिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए, चलिए चार आर्य सत्य इन्होंने दिया, चार आर्य सत्य कौन से हैं, त्रिरत्न और चार आर्य सत्य, त्रिरत्न चार आर्य सत्य और त्रिपिटक। चलिए त्रिरत्न में इन्होंने दिया बुद्धम संघम और धम्म, या ऐसे कह सकते हैं बुद्ध संघ और धम्म। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्ध के शरण में जाओ, संघ में रहो और धम्म का पालन करो, धम्म की तथा रीति रिवाजों के अनुसार बनाए गए नियम, तो बुद्धम शरणम गच्छामि कहा जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि होता है ना कि जाओ, यानी कि ये भविष्य काल में है कि जाओ, अभी आदेश दे रहा है गच्छामि, ऐसा होता नहीं, संघ बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, फिर कहता है धम्मम शरणम गच्छामि। आइए आचार आश्रति की बात करते हैं, यहाँ से आते हैं इसको, स्पेस नहीं है, तो त्रिरत्न आपने देखा वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ना याद है, तो ये तीनों भी याद ही रहे, बुद्ध संघ और धम्म, यही त्रिरत्न है इनके, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। आइए देखिए चार आर्य सत्य को हमने बताया था अभी कि एक बूढ़ा व्यक्ति, पहले क्या देखिए बूढ़ा व्यक्ति तो सबसे पहले दुख का कारण, तीसरा दुख निवारण
और चौथा आपका हो जाएगा दुख निवारण के उपाय, दुख निवारण के, दुख निवारण के उपाय, दुख निवारण के उपाय चार आर्य सत्य। फिर आगे तीसरा जो हो गया चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य आगे इनके कौन से, चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य हैं, तीन रत्न हो गए, चार आर्य सत्य हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जाता है कि इनके जो संघ में व्यक्ति थे, जो इनके शिष्य थे, दो भागों में बढ़ गए, इनके शिष्य, इनके इनके शिष्य दो भागों में बढ़ गए, दो भागों में, भागों में बट गए, बट बट गए। दो भाग कौन कौन से हैं, भिक्षुक और उपासक, भिक्षुक 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 और उपासक, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वह होते थे, समझ लीजिए ऐसे, भिक्षुक वह होते थे जो संघ में रहते थे, भिक्षुक ये संघ में रहते थे, रहते थे और गृह का त्याग करते थे, गृह का त्याग करते थे। लेकिन उपासक क्या होते थे, ये बौद्ध धर्म के तत्व थे, बौद्ध धर्म को मानते तो थे, लेकिन लेकिन बौद्ध धर्म को मानते तो थे, लेकिन क्या किया इन्होंने, इन्होंने गृह में रहकर, गृह में रह कर गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन अपनाते हुए, अपनाते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म का पालन किया, पालन किया। अब आइए, ये तो शिष्य दो भागों में बढ़ गए, इन्हें भिक्षुक और उपासक। लेकिन इनके इनका जो संप्रदाय था, बौद्ध धर्म संप्रदाय, वो संप्रदाय भी दो भागों में बढ़ गया, कौन कौन सा आइए देखते हैं। इनके दो संप्रदाय, इसके दो संप्रदाय हुए, संप्रदाय 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 क्या हुआ, दो भागों में बढ़ गया, दो भागों में, भागों में कौन कौन सा आइए देखिए, हीनयान, हीनयान और महायान, महायान। हीनयान की, हीनयान जो था वो गौतम बुद्ध को क्या कट्टर था, ये क्या था, कट्टर, ये कट्टरता थी, इसमें लचीलापन था, इसमें लचीलापन था, यानी कि वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन जो महायान था वो थोड़ा विकसित संप्रदाय हो चुका था, वो बौद्ध धर्म को तो मानते थे कि उसकी कट्टरता को, किन्हीं स्त्रियों को मठ में प्रवेश वर्जित कर दिया, बहुत सारी चीजें हुई, तो वो नहीं मानते थे, वो कहते थे कि नहीं, गृहस्थ जीवन यापन करते हुए भी हम धर्म का पालन कर सकते हैं। तो हीनयान, इनकी दो दो संप्रदाय हुए, हीनयान और महायान। तो आइए हम लोग देते हैं अभी की चार सभाएं, उनकी जातक सभाएं देते हैं, उनकी चार सभा हुई, चार बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, करने के लिए सभाएं हुई, अनेक सभाएं हुई, करने के लिए चार सभाओं का आयोजन किया गया, सभाओं का आयोजन आयोजन किया गया, किया गया। चार स्थान देखिए, सबसे पहला पहला स्थान, पहली सभा इनकी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, राजगृह, कहाँ हुई थी, 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी, राजगृह में हुई थी। और वहाँ का राजा उस समय कौन था, वहाँ का राजा था अजात शत्रु, वहाँ का राजा कौन था, अजात शत्रु के समय हुआ था, अजात शत्रु। और उपाध्यक्ष उस समय कौन था, तो उस समय का उपाध्यक्ष महाकाश्यप, महाकाश्यप पहला पहली बौद्ध संघ थी। 483 सपूत में कहा हुई थी, राजगीर में हुई थी, किसके राजा के संरक्षण में हुई थी, संरक्षण में था अजात शत्रु। और उस समय के अध्यक्ष, देखिए ये क्या है, अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में हुआ था, ये संरक्षक, संरक्षक कौन थे, राजा अजात शत्रु। दूसरा कब हुआ था, आगे दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, राजगीर वैशाली में हुआ था, कहाँ हुआ था, वैशाली, वैशाली में हुआ था। उस समय राजा कौन थे, कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, सभा कामी थे। अब जो तीसरा है,
तीसरा 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र, कहाँ हुआ था पाटलिपुत्र, पटना जिसको पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में उस समय राजा कौन था अशोक, राजा कौन था अशोक, अशोक के संरक्षण में हुआ था। उपाध्यक्ष कौन था, तो उपाध्यक्ष था मोगली पुत्र त्रिश, मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में ये सभा हुई थी। फिर आगे चौथा देखते हैं, और लास्ट इनका बौद्ध संगीत क्या था, तो चौथा जो इनका था वो प्रथम ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, प्रथम ईस्वी में हुई, और कहाँ हुई थी कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में, कुंडलवन में उस समय राजा कौन था कनिष्क, कश्मीर का राजा कौन था उस समय कनिष्क, कनिष्ठ के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। और उपाध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष कौन था अश्वघोष, अश्वघोष उस समय अध्यक्ष कौन था अश्वघोष था। तो बच्चों ये चार बौद्ध संगीत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई तो पूछ ही लगाती है, तो आप इसलिए शॉर्ट ले लीजिए, एक ही जगह चलो आप आ जाएंगे, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा जब तैयार हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनका जीवन बचे आपने जाना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनकी मृत्यु के बाद, एक शब्द भूल गए थे, उनकी मृत्यु के बाद चार सभाओं का आयोजन किया गया, और 463 की उनकी मृत्यु थी ना, कब हुई थी 463 ईसा पूर्व, और ये शुरू कहाँ से हुआ था 483 ईसा पूर्व, तो जान लो उनकी मृत्यु के बाद। तो राजगिरी में हुआ था, और किसके अध्यक्षता में, संरक्षण में अजातशत्रु, ऐसे पूछ सकते हैं उस समय वहां का राजा कौन था, तो अजातशत्रु था, किसकी अध्यक्षता में महान काश्यप की अध्यक्षता में। दूसरी 383 ईसा पूर्व में लगभग 100 साल बाद वैशाली में हुआ था, और उस समय का संरक्षक कौन था कालाशोक, शाबा कौमी अध्यक्षता कर रहे थे। 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक, उस समय वहां का राजा था मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम ईसा पूर्व में चौथा हुआ था, प्रथम ईसा पूर्व कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ है कश्मीर में, कश्मीर में, उस समय वहां का राजा कौन था कनिष्क, उस समय वहां का राजा कौन था, तो वहां का राजा कनिष्क था, वहां का राजा कौन था कनिष्क, और इसकी अध्यक्षता में हुआ था अश्वघोष के। तो बच्चों ये रहा बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो, इसमें जो भी छूटा है मैं आपको पुनः दूसरे वीडियो में बताऊंगी, और मेरा वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, और अच्छा लगे तो जबरदस्ती नहीं, अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर दिया करिए बच्चों, धन्यवाद।